शिक्षार्थी मधुमिता मुखर्जी। आई प्रॉमिस अ बेटर स्कोरिंग इन योर फिजिक्स। चलो अभी मेरा 3 नंबर क्वेश्चन आ गया। कब का है ये? 3 नंबर 2019 का क्वेश्चन है। सो 2019 में क्या पूछा था? मेरा क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज फॉर ए ट्रांजिस्टर द करंट रेशियो बीटा डीसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। आपका ऑप्शन आ गया, ए इज कलेक्टर करंट टू एमिटर करंट, बी ऑप्शन इज कलेक्टर करंट टू बेस करंट, सी ऑप्शन इज बेस करंट टू कलेक्टर करंट, एंड डी ऑप्शन इज एमिटर करंट टू कलेक्टर करंट। बीटा डीसी आपको कुछ याद रखना है, करेक्ट? इफ यू ऑलरेडी नो यू नो, इफ यू डू नॉट नो बीटा डीसी, बीटा नीचे आई बी लिखो, बेस ऊपर आई सी, ऊपर तो हमेशा ही आई सी होगा, आई सी कलेक्टर करंट, नीचे बेस करंट फॉर बीटा। अल्फा करोगे, अल्फा डीसी लिखोगे तो ऊपर तो कलेक्टर करंट ही आएगा, नीचे आएगा आई ई एमिटर करंट। कलेक्टर करंट बाय एमिटर करंट होता है अल्फा डीसी करंट रेशियो, एंड कलेक्टर करंट बाय बेस करंट देता है बीटा डीसी। बीटा एंड बी याद रखोगे, कोई चारा नहीं है। अच्छा, डीसी मतलब क्या है? डीसी मतलब दिस करंट का रेशियो। अगर डीसी नहीं होता, बीटा एसी एक होता है, मैं बता देती हूँ, डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी लिखते हैं हम तब, एंड दिस इज अल्फा एसी, अल्फा एसी के लिए मैं डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई ई लिखती थी। इधर चेंज ऑफ करंट को एसी बोलते हैं, और अगर चेंज ऑफ करंट नहीं बोला, डायरेक्ट बोल दिया आई सी आई ई ऐसा, तो डीसी बोलते हैं। दिस इज चेंज ऑफ करंट के रेशियो को एसी बोलते हैं। ठीक है, तो बीटा के साथ बी, बेस, बी फॉर बेस एंड बीटा याद रखोगे। क्लियर? नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Last 20 years questions I have solved like this. If you are benefited, do watch.